दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं वो आपको शायद बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी कहीं से समझ में ना आए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल छोड़ सकते हो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये एक पूरी सीरीज है, पार्ट 1 पार्ट 2 पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पहले उसको देख लो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक से समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नोट्स का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, भाई ये नोट्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए नोट्स, चंपू थोड़ी हूं यार जो नोट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नोट्स होते क्या हैं। नोट्स वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिविजन के समय में, कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरह से पढ़ने में मदद करते हैं। और उस हर चीज के नोट्स नहीं बनाए जाएंगे जो आप पढ़ते हो, उस हर चीज के नोट्स नहीं बनाए जाएंगे जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा चैप्टर जो किताब में लिखा है उसको नोट्स में छाप देना नोट्स नहीं कहलाता। भाई नोट्स बनाने हैं, कोई दूसरी किताब थोड़ी छापनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं तो नोट्स आपके सच्चे दोस्त होते हैं। नोट्स कैसे बनाएं, उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपके नोट्स आपके दोस्त या किसी भी टॉपर स्टूडेंट से कॉपी नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये चीज नहीं सुनी तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ऊपर लिंक जरूर दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं नोट्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहली बात, बी स्पेसिफिक। आपको अपने नोट्स बनाने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग कॉपीज रखनी पड़ेंगी, और कॉपी का साइज प्लीज ध्यान रखना, 15 से 20 पेज वाली कॉपी मत बनाना, हल्की मोटी सी कॉपी बना लेना, क्योंकि आपके मैक्सिमम 2 कॉपीज में हर सब्जेक्ट के नोट्स बन जाते हैं। अच्छे मोटे रजिस्टर का इस्तेमाल करना। अगर आप डिजिटल यूज करना चाहते हो, एप्स को यूज करना चाहते हो, तो गूगल कीप या एवर नोट ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल कीप एक गूगल का प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम फोन्स में आपको अवेलेबल मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको रख सकते हैं। इन ऐप्स का बस सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आप वॉइस नोट्स लिख सकते हो, अलग अलग टाइम के रिमाइंडर भी भर सकते हो, तो आप टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, यूज किस टेक्निक। हाँ भाई, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितने भी पैराग्राफ चैप्टर्स आप पढ़ते हो वो कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं, या तो किसी स्टोरी फॉर्म में, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट होने में आसानी हो, या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक हो, इसलिए बहुत सारे कनेक्टिव वर्ड्स को उसमें यूज किया जाता है, जिनको आप ना भी इस्तेमाल करो तो आपके नोट्स बन जाएंगे। 80% ऑफ शब्द उसमें से आप हटा सकते हो, 20% जो शब्द हुए वो मेन कीवर्ड्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, जिनको आप कनेक्ट करके नोट्स बना सकते हो। और एक बात याद रखना, कितने भी मैसी अनऑर्गेनाइज आप क्यों ना हो, लेकिन आपके नोट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में होने चाहिए, ताकि पेपर से पहले आपको बहुत ही लिमिटेड समय मिलेगा, और कुछ भी अगर इधर का उधर, उधर का इधर हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स बनाओ, पैराग्राफ्स में ना बनाकर उनको बुलेटेड फॉर्म में कर सकते हो, पॉइंट्स फॉर्म में कर सकते हो, कॉलम फॉर्म्स में कर सकते हो, जिससे आपको दिमाग की कंसंट्रेशन उसमें पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। इसी तरह से अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और उसमें जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है जो उस चैप्टर में नहीं था, किसी और चैप्टर से उठा के यूज किया गया है, तो उसमें आप नोट्स के नीचे फुट नोट्स में उसको लिख सकते हो। नोट्स बनाते समय कॉपी के नीचे छोटा सा स्पेस जरूर छोड़ो, जिसमें एक दो पॉइंट्स की समरी और फुट नोट्स छोड़ने की जगह जरूर हो। तीसरा पॉइंट है, बी सिस्टमैटिक। आप में से बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं या टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th या 12th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके नोट्स चैप्टर वाइज ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि जैसे आपके चैप्टर किताब में चल रहे हैं उसी के सीक्वेंस में अगर आपके नोट्स में चलेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। चैप्टर 1 शुरू हुआ उसके नोट्स, चैप्टर 2 शुरू हुआ उसके नोट्स, चैप्टर 2 शुरू हुआ आपने नोट्स बना रखे हैं चैप्टर 10 के, तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्पेसिफिकली आप टॉपिक वाइज भी नोट्स बना सकते हो। तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इफेक्टिव वे में इस चीज को समझ पाते हैं। चौथा पॉइंट है, यूज कलर टेक्निक्स। दोस्त, आप ज्यादा से ज्यादा ब्राइट कलर्स के हाइलाइटनर को इस्तेमाल कर सकते हो, येलो ग्रीन स्काई ब्लू कलर के यूज कर सकते हो। आपके जो कलर्स हैं वो आपके दिमाग पे अलग अलग
तरीके के इफेक्ट डालते हैं और ब्राइट कलर्स का इफेक्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप अलग अलग पेन भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, अलग अलग पेन को अलग अलग चीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ब्लैक पेन से आप सारी की सारी हेडिंग्स लिख सकते हो, ब्लू पेन से आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ग्रीन पेन को आप कुछ डेट्स के लिए रख सकते हो, रेड पेन को आप किसी फॉर्मूला के लिए रख सकते हो, किसी एब्रीविएशन के लिए रख सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए रख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, बी क्रिएटिव। आपके नोट्स थोड़े अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ना है तो आप उसमें से बहुत आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, बहुत आसानी से इजिली उसको समझ पाओ, तो उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में बनाओ। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, अलग तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हो, डायग्राम्स यूज कर सकते हो, आप अलग अलग तरह की छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, ताकि वो देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, क्रिएटिव लगे, आपके दिमाग को उस चीज में लगाने के लिए। अगर आपको कोई टेबल है, फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल है या इंपॉर्टेंट डेट्स है हिस्ट्री की लर्न करनी है, तो सारी एक पेपर पर लिख लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है सब लिख लो और उसको अलग कहीं पर चिपका दो। रोज 5 से 10 मिनट उसको रिवाइज करो, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। या इन चीजों को किसी सॉन्ग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आप बहुत आसानी से और जल्दी याद कर पाओगे। दोस्त, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए वीडियो चाहिए तो मेरे को कॉमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसके लिए भी वीडियो अलग से बना दूंगा। नोट्स आपको एक सही रास्ता बताते हैं, जो आपको बताते हैं कि किस चैप्टर के किस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है तो आप कर भी क्या पाओगे। इसी तरह से नोट्स चाहे थोड़ा समय लेकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 से 20 मिनट उन नोट्स को बनाने के बाद रिवाइज जरूर करना, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए वो रिकॉल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये आपको चेक करना है। दोस्त, 10 से 15 मिनट अगर आप रिवीजन में लगा देते हो तो कुछ भी घाटे का सौदा नहीं है। और मैं तो इतना कहूंगा, नोट्स को हर ऑल्टरनेट डेज पे, हर दूसरे या तीसरे दिन पे आपको रिवाइज जरूर करते रहना है। मुझे आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपको अभी स्टडी मोटिवेशन आपको तुरंत चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। एक बात हमेशा याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।